अच्छा देखिए ऑडियो वीडियो आ रही है बेटा क्लियर। गुड इवनिंग। चलिए देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स कर रहे थे अपन। न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस तक किए थे। न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो इसमें दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन है। फर्स्ट है हमारा फिजन वाला, फर्स्ट है फिजन। फिजन मतलब एक बड़े न्यूक्लियस का छोटे न्यूक्लियसेस में टूट जाना, और इस पर बेस्ड था आपका न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर इस पर बेस्ड है। इसमें आपने देखा था भाई कि कोई अगर न्यूक्लियस है, अगर एक न्यूक्लियस हमने ए लिया और इस पर हमने न्यूट्रॉन्स की बम्बारमेंट कराई थी, तो हुआ क्या था कि इससे ये न्यूक्लियस एक्साइटेड हो गया था। ऐसे ए स्टार, ए स्टार का मतलब है एक्साइटेड, और एक्साइटेड होने के बाद ये टूट गया था दो छोटे न्यूक्लियसेस बी और प्लस सी में, और साथ में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी ये हमें मिली थी। एनर्जी, इस एनर्जी का हम चाहें तो कंस्ट्रक्टिव यूज कर लें, इसका चाहें तो डिस्ट्रक्टिव यूज कर लें। अभी हम देखने जा रहे हैं इसका उल्टा प्रोसेस। न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब है दो छोटे न्यूक्लियसेस का, इसमें दो छोटे न्यूक्लियस होंगे, मान लीजिए ए है और ये बी है, ये आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं कि ऑर्डिनरीली जुड़ जाएंगे, जोड़ने के लिए हमें चाहिए होगी, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, जब ये न्यूक्लियस बनाएंगे, कोई एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे कोई सी, तो उसके साथ भी एनर्जी रिलीज करेंगे, और जितनी दी गई है उससे ज्यादा तो उसकी क्यू वैल्यू अलग है। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियर फिजन। अब जैसे ये स्टोरी थी भाई, ये ऐसा है न्यूक्लियर फिजन कि इन दिस फिनोमिना फ्यूजिंग टू आर मोर लाइटर न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ सिंगल हैवी न्यूक्लियाई। तो रिएक्शन लिखा है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस क्यू। अब इसमें भी वही हम करेंगे, ठीक है। यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है देन रिएक्टेंट ए एंड बी, और ये देखा गया कि मास ऑफ सी जो है वो लेस देन मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी है, यानी अपन को मिलेगा डेल्टा एम। और डेल्टा एम में अगर मान लीजिए हमने मास डिफेक्ट निकाल लिया, यहां पे डेल्टा एम होगा मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी माइनस मास ऑफ सी, और इनटू, अब इसको ऐसे ही डेल्टा एम, अगर ये एएमयू में कैलकुलेट कर लें तो इसकी क्यू वैल्यू निकाल लेते हैं, क्यू वैल्यू, तो इसकी क्यू वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एम। किस चीज से गुणा कर दिया जाए, स्नेहा, किस चीज से गुणा कर दें? अच्छा सब एक साथ लिखे हैं, 931 से गुणा कर लो सर, सीधा एमईवी में एनर्जी आ जाएगी। ये अब एम इन डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, और वो जूल में आता, लेकिन इसको एमईवी में डायरेक्ट कन्वर्ट करने का मिल गया अपन को, तो ये काम हम करते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन ये रहा। अब जैसे देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे यहां लिया गया है, चार छोड़ हाइड्रोजन एटम्स को जोड़ा गया, तो हमें एक मिला हीलियम,
का एक हीलियम का न्यूक्लियस प्लस ये टू बीटा पॉजिट्रॉन्स हैं, इनको अगर जैसे प्लस बीटा लिखा हो तो ये पॉजिट्रॉन्स हैं। प्लस जब पॉजिट्रॉन आता है तो उस समय पक्का पक्का न्यूट्रिनो भी आता है, और जब बीटा पार्टिकल निकलते हैं तो उस समय एंटी न्यूट्रिनो, और साथ में मिला 26 MeV एनर्जी। तो जरा यहां देखिए, जो हम लोगों ने यूरेनियम का फ्यूजन कराया था, यूरेनियम का फ्यूजन ये रहा, यूरेनियम का फ्यूजन। तो पढ़ोगे भूमिका, इस रिएक्शन को पढ़ेंगे बेटा, फर्स्ट वाला रिएक्शन भूमिका। ये फिजन वाला है, पढ़ो जरा भूमिका क्या लिखा है बेटा, फिजन वाला जो रिएक्शन पढ़े थे। लग रहा है उसके पास आवाज नहीं जा रही। मोहम्मद, मोहम्मद रोज बेटा आप पढ़ना जरा यूरेनियम 235 वाला। यूरेनियम 235 प्लस न्यूट्रॉन इज बेरियम प्लस क्रिप्टॉन प्लस थ्री न्यूक्लियस प्लस 200 MeV। हाँ, थ्री न्यूट्रॉन्स प्लस 200 MeV। 200 यानी इसमें एनर्जी 200 मिल रही है, और जब फ्यूजन हुआ, एक तो फ्यूजन में 200, लेकिन जब फ्यूजन हुआ तो उस समय कितनी एनर्जी मिली, 26 MeV। तो किसमें ज्यादा अच्छा एनर्जी मिल रही है, फ्यूजन में, फ्यूजन में ज्यादा। लेकिन जरा यहां ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा है एनर्जी जब आप पर न्यूक्लियॉन निकालोगे ना कि कितने न्यूक्लियॉन लगे हैं, तो एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन इज ग्रेटर देन एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन। लेकिन एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालेंगे तो देखिए 200 मिली थी, और यूरेनियम का है 235, ये है इसका मास नंबर। तो इसका मतलब जो एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मिल रही है वो कितनी है, 0.85 MeV। और जरा यहां देखिए कितना है, 6.5 MeV पर न्यूक्लियॉन, क्योंकि चार ही हाइड्रोजन मिले थे, 1H1, 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 तो चार। तो अब एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किसका ज्यादा है रोज, फ्यूजन का, फ्यूजन का। तो बेटर कौन है, मतलब कौन एनर्जी हमें ज्यादा देगा, फ्यूजन, फ्यूजन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के साथ पर न्यूक्लियॉन में अगर देखेंगे तो ये। तो ये दोनों पॉइंट जो हमारा फ्यूजन में मिल रहा है, कि यहां पे हमें फ्यूजन में जो एनर्जी मिली है कि 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1, ये सब जुड़े तो हमें मिला हीलियम का न्यूक्लियस 2He4, साथ में निकले पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन जब भी निकलेगा न्यूट्रिनो पक्का निकलेगा, और फिर हमें मिली एनर्जी, कितनी एनर्जी, तो 26 MeV एनर्जी मिली है। तो हम ऐसे देखते हैं कि एनर्जी पर फिजन इज ग्रेटर देन, क्योंकि ये आई थी 200 MeV, एनर्जी पर फ्यूजन। लेकिन अगर अपन बात करें एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन इन फ्यूजन इज लेस देन एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इन फ्यूजन, फ्यूजन में हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है, ये दो पॉइंट्स हैं यहां दिख रहा है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन कराने के लिए हमें जरूरत है किसकी, एक तो हाई टेम्परेचर की, और वो हाई टेम्परेचर क्या कितना होना चाहिए। अच्छा, दो पॉजिट्रॉन निकले थे, अच्छा भाई तो दो पॉजिट्रॉन कर दो, दो पॉजिट्रॉन निकलेंगे तो दो न्यूट्रिनो भी निकलेंगे। तो इसमें देखो हमें कंडीशन चाहिए न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए, कंडीशन एक तो हाई टेम्परेचर चाहिए,
हाई टेम्परेचर कितना, तो अप्रोक्सीमेटली सन के अराउंड जितना है उतना चाहिए। तो जब भी हम न्यूक्लियर फ्यूजन यानी हाइड्रोजन बम को एक्सप्लोड करना होगा तो उसके पहले एक एटम बम एक्सप्लोड करना पड़ेगा, फिर जाके हाइड्रोजन बम एक्सप्लोड होगा। तो हाइड्रोजन बम जब एक्सप्लोजन शुरू हो जाएगा तब एनर्जी ही एनर्जी मिलेगी। साथ में दूसरा, हमें हाई प्रेशर चाहिए, ये दो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये दो रिक्वायरमेंट है। हाँ, अब मेघा माइक ऑन करके भी आप पूछ सकते हो। अच्छा, गौरी का एक डाउट है और मेघा का, तो मेघा आप माइक बेटा ऑन करके पूछ सकते हो, फिर गौरी के डाउट में आएंगे। लग रहा है मेघा का नहीं ऑन हो सकता। गौरी आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे सर? पॉजिट्रॉन क्या होता? पॉजिट्रॉन बेटा ये पार्टिकल है, ये एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के बराबर मास होता है बट चार्ज प्लस जैसा होता है, ठीक है। और बीटा पार्टिकल बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही है। एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर केवल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही नहीं है, अदर पार्टिकल्स भी हैं, जिसमें न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो मेसॉन्स पॉजिट्रॉन, ठीक है, ये सब है इसमें, है ना। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, लिख लेना, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। थैंक यू सर। एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में ये और दिखाएगा। हाँ, न्यूट्रिनो इसी तरह का एक मासलेस पार्टिकल है, है ना, मासलेस पार्टिकल है न्यूट्रिनो, जो बैलेंसिंग इक्वेशन के काम में आ जाता है। जब भी पॉजिट्रॉन निकलेगा न्यूट्रिनो निकलेगा, और जब भी बीटा रेज निकलेंगी, बीटा रेज निकलेंगी, उसके उसके साथ साथ एंटी न्यूट्रिनो मस्ट है। आगे दिखाऊंगा न्यूक्लियर जब रेडियो एक्टिव वाला पढ़ेंगे तब, ठीक है। अब देखिए इसमें दो एक ऐसे हेडिंग है, दो हेडिंग है यहां दिया हुआ है, पेयर प्रोडक्शन। ये कुछ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टाइप की कहानी है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टाइप की कहानी है ये। कोई पढ़ेगा इसको? चलो यशराज पढ़ो भाई। A gamma photon of energy more than 1.02 MeV when interact with a nucleus produces pair of electron and positron. देखो, जब न्यूक्लियस पे देखा गया ना कि न्यूक्लियस पर जब गामा फोटॉन्स डाले गए, गामा फोटॉन्स, तो इनमें से दो पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, एक था इलेक्ट्रॉन और दूसरा था पॉजिट्रॉन, ई प्लस था। पॉजिट्रॉन का सिंबल ई प्लस या बीटा प्लस ऐसा लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें द एनर्जी इक्वेलेंट टू रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई प्लस इज दिस, इतना चाहिए। तो द एनर्जी इक्वेलेंट टू रेस्ट मास ऑफ दिस पेयर, तो इस पेयर की 1.0 MeV होती है, यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जब बना तो उसने गामा रेज से एनर्जी ली, कितनी, 1.02 MeV। दिस प्रोसेस इज नोन एज पेयर प्रोडक्शन। तो फॉर पेयर प्रोडक्शन एनर्जी ऑफ फोटॉन जो होना चाहिए 1.02 MeV से ज्यादा होना चाहिए। इफ एनर्जी इज मोर देन दिस, देन एक्स्ट्रा एनर्जी जो भी होगी डिवाइड अप्रोक्सीमेटली इन इक्वल अमाउंट ऑफ ईच पार्टिकल एज काइनेटिक एनर्जी। कि हमने एक न्यूक्लियस पर गामा फोटॉन जिसकी एनर्जी 1.02 MeV से ज्यादा है, जब उसको हमने हिट करके देखा तो देखा उसमें से दो पार्टिकल बने, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा पॉजिट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के लिए मिनिमम जब देखा गया इनकी एनर्जी कितनी चाहिए, तो 1.02 MeV चाहिए एनर्जी दोनों को एक साथ में। यानी अगर गामा की उससे ज्यादा है तो होगा, अगर उससे कम है
तो फिर ये पेयर प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो ये जो पेयर प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ इसी बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। देखिए पेयर प्रोडक्शन, अगर उससे ज्यादा एनर्जी दोगे तो वो एनर्जी किसमें बदल जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी, लगभग इक्वली बढ़ जाती है। इसी का उल्टा, अगर इन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को कंबाइन किया जाए तो ये एक दूसरे को खत्म कर देते हैं और साथ में गामा फोटोन निकालते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को जब हमने कंबाइन किया, ये इलेक्ट्रॉन था और ये पॉजिट्रॉन था, जब इनको रिकम्बाइन किया गया तो देखा इनमें से गामा फोटॉन्स बाहर आए और इन गामा फोटॉन्स की एनर्जी थी 1.02 MeV। इसको हम बोलते हैं कि पेयर खत्म हो गया, यानी पेयर एनहिलेशन। तो ये दो हेडिंग ऐसे ही दी हुई है, इसका कोई क्वेश्चन शायद ही मिले, ये दी हुई है। ठीक है, किसी को इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए, किसी को इसमें कोई डाउट हो तो पूछे। हाँ, अगर यहां पे बेटा जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलेंगे तो इनकी तो एनर्जी इनके पास कितनी है, एक के पास 0.51 MeV, तो दोनों मिलकर के 1.02 MeV इसको देंगे। यहां पर अगर इतने से ज्यादा चाहिए या इक्वल टू, अगर इतना इससे कम है एनर्जी तो पेयर प्रोड्यूस नहीं होंगे। समझ में आया विवेक? अगर इससे कम है तो नहीं होंगे, और इनके पास जितनी एनर्जी है वो वही दे सकते हैं, यानी 1.02 MeV एनर्जी दे सकते हैं। चलिए, और किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनहिलेशन, अपने पैक में, अपने पैकेज में अगर भाई ये देख, अब उनके पास काइनेटिक दोगे, अगर वो दोनों दूर से आ रहे हैं यानी इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, तब टकराएंगे तो गामा फोटॉन की एनर्जी उतनी ही होगी, अब बाकी का जो होगा वो गामा फोटॉन एक्स्ट्रा एनर्जी छोड़ देगा। ठीक है, पैकेज में ये पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनहिलेशन, ये बेटा पैकेज में ही आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है यश, इसको मैं कह रहा हूं, इसको पैकेज में ही अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, शायद अपन लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, क्या ये पहला और दूसरा क्वेश्चन किया गया था क्या, चेक कीजिए जरा। हाँ, फर्स्ट टू क्वेश्चंस अपन ने किए थे। तो आज हम लोग इसके आगे का करके देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड एक बार आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूं, पढ़ के हम लोग साथ साथ किया जाएगा।
चलिए अब पढ़ लेते हैं भाई जरा। तो पार्थ पढ़िए जरा, क्वेश्चन क्या दिया बेटा पार्थ? कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 ग्राम ऑफ यूरेनियम 235 इन किलोवाट आवर। एक मिनट, ये देखो किलोवाट आवर है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि एनर्जी जूल में लाके फिर किलोवाट आवर में जा सकती। खैर ठीक, आगे बेटा। गिवन दैट द एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन इज 200 मेगावाट, यानी अगर इसका एक एटम ब्रेक होता है यूरेनियम का तो 200 MeV मिलती है, तो 2 ग्राम में नंबर ऑफ एटम बता दोगे कितना होगा पार्थ? भाई हमें नंबर ऑफ एटम चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स इन 2 ग्राम कितना? तो भाई 1 ग्राम में होता है एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाई 235, और कितने ग्राम में मैं पूछ रहा हूं? 2 into Na by 235। यानी टोटल इतने एटम हैं अपने 2 ग्राम में, इतने एटम हैं। अब इनकी एनर्जी अगर हम MeV में निकालें तो भाई एक एटम 200 एनर्जी देता है, तो एनर्जी की बात करें तो एनर्जी हो गया 2 Na upon 235 into 200, इतना टोटल एनर्जी आएगी MeV में, इतना है। Na इज अवोगाड्रो नंबर, कितना होता है यश जैन? अवोगाड्रो नंबर कितना होता है यश जैन? 6.022 into 10 to the power 23। तो आप इसको सॉल्व करके MeV में एनर्जी बताओगे, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो आप, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं आप। यशराज कुछ बचा रहे हैं, कितना बेटा? 10.25 into 10 to the power 23, इसकी एनर्जी बताई जा रही है 10.25 into 10 to the power 23 MeV। क्यों MeV? अच्छा स्नेहा तेरा भी इतना ही आ रहा है, सेम ही है, ठीक है। अब भैया पहले MeV को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लें, MeV को जो एनर्जी है अपने पास, तो देखो ये हो गया 10.25 into 10 to the power 23 था, इसको अगर मैंने 10 to the power 6 से गुणा कर दिया तो ये बदल गया किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इसको अगर 1.6 into 10 to the power -19 से कर दिया जाए तो ये एनर्जी आ जाएगी जूल में, ये एनर्जी आ गई जूल में। अब ये अभी जरा कैलकुलेट करके बता दो कितना आ रहा है। वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर 11 क्या? चेक करना, यही आ रहा है। हाँ ठीक है। और अब इसको जूल को हमें किलोवाट पर आवर में बदलना हो तो क्या करेंगे भाई? अगर इसी एनर्जी को किलोवाट आवर में, तो KWH तो 1.6 into 10 to the power 11 डिवाइडेड बाई एक कन्वर्जन फैक्टर होता है। हाँ भैया कन्वर्जन है, क्या करोगे? 3.6 into 10 to the power 6। अब ये आ जाएगा आंसर KWH में। तो अब ये अभी बता दो कन्वर्जन ही, इसमें क्वेश्चन में दम नहीं था, क्यों पार्थ? केवल कन्वर्जन में दम है। यस सर। ये अभी कैलकुलेट कीजिए, 4.5 into 10 to the power 4 KWH। जरा चेक कीजिए भाई, ये लोग बता रहे हैं जो वो ठीक है।
दो तीन लोगों का आंसर यही आया है, करेक्ट है। चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लोगों को इसमें केवल और केवल कन्वर्जन देखना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 किया जाए। चलिए ये कौन पढ़ेगा भाई? गौरी आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4। If the energy released in the fission of one nucleus is 3.2 into 10 to the power minus 11 joule, then find the number of nuclei required per second in a power plant of 16 kilowatt. 16 kilowatt का power plant है, यानी हमें power दे रखा है, तो power equal to होता है energy upon time, तो ये आपको दे रखा है 16 into 10 to the power 3 watt का power है, energy, और पर सेकेंड ही चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम। अच्छा एक न्यूक्लियस देता है इतना, एक न्यूक्लियस इतना देता है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की जरूरत है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना एन इंटू एक का लिख लो 3.2 × 10⁻¹⁻ डिवाइडेड बाई टी, तो आपको निकालना भी तो एन बाई टी है, क्यों एन बाई टी, तो आपको n by t के लिए करना क्या होगा, वो 16 into 10 to the power 3 divided by 3.2 into 10 to the power minus 11, 10 to the power minus 11, तो जरा n by t बताओ कितना आ रहा है, 5 into 10 to the power 14, आंसर ये बता रहे हैं भाई 5 into 10 to the power 14 न्यूक्लियस पर सेकंड चाहिए, एक सेकंड में इतने। अच्छा विदाउट कैलकुलेटर निकाल लिए, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। अच्छा डायरेक्टली कट गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चन कहीं घुमा के नहीं आ रहे हैं, है ना, सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं, और केवल किसकी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, कैलकुलेशन की, ओनली कैलकुलेशन रिक्वायर्ड, और थोड़ा आराम से, जल्दीबाजी नहीं। समझ में आ गई बात? केवल आप देखिए कैलकुलेशन रिक्वायर्ड और कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 7। यस जैन। यस सर। पढ़ तो। मास डिफेक्ट इन अ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। सेवन नंबर, सेवन सेवन। टू न्यूक्लियाई हैव देयर मास नंबर्स इन रेशियो 1:3, व्हाट इज द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटीज। एआईपीएमटी 2006 में आया है, बताओ कितना, आंसर भी देना है, केवल क्वेश्चन ही पढ़ने तक नहीं है, आंसर भी देना है। चलो पार्थ तुम आंसर दो। यस सर। पढ़ो क्वेश्चन और आंसर दो। सर टू न्यूक्लियाई हैव देयर मास नंबर इन रेशियो 1:3, व्हाट इज द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटीज। सर डेंसिटीज तो सेम रहेंगे ना, डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, और हम लोगों ने एक डेटा याद किया था कि लगभग सबका ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 17 का होता है, तो इसमें सीधा इधर कितना, अब क्या इससे ज्यादा गरीबी हम क्या उम्मीद करें कि आएगी भाई। माइक बंद करो बात। अब बताओ, हाँ नहीं बेटा, 2.3 × 10⁻¹⁷, ऋषि 10 टू द पावर 17 का ऑर्डर था, है ना। अच्छा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, चले कोई बात नहीं। तो ये देखो, अब इतने में एक क्वेश्चन आया है, और इतने हैवी कैलकुलेशन वहां पे ऐसा ही आएगा, समझ रहा है। यस जैन, ऐसे ही कैलकुलेशन एग्जाम में पूछते हैं कि आप थोड़ा आराम से कर लो।
चलिए अंशिका सोमानी, क्वेश्चन नंबर 6। अंशिका, अच्छा अनुष्का, अनुष्का विश्वकर्मा, ये भी नहीं बात करेंगे। अच्छा अच्छा आज मैक्सिमम बच्चे लैपटॉप पे हैं। भूमिका, ये इन्हीं के नाम आ रहे हैं। आज सारे लोगों को ऑनलाइन दिया गया है। ऋषि, ऋषि शर्मा, आज बहुत सारे लोगों के माइक नॉट वर्किंग है, ऐसा क्यों है? माही सोनी, माही सोनी का भी माइक का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। अच्छा ऋषि पढ़ रहे हैं, ऋषि कह रहा है पढ़ रहा हूं मैं। चलो ऋषि। यस सर। द मास डिफेक्ट इन द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज 0.3%। व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लिबरेटेड इन 1 kg फ्यूजन रिएक्शन। अब देखो केजी वेजी दे रहा है तो जूल में निकाल के अगर आंसर एमईवी में होगा तो कन्वर्ट कर देंगे। तो डेल्टा एम जो है, डेल्टा एम की वैल्यू हो गई 0.3 डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं, तो परसेंटेज से कन्वर्ट हो गया डेल्टा एम, है ना। हाँ ठीक है, ऐसा कर लेते हैं बेटा। तो ये अच्छा किसका है, ये तो 1 kg का है तो उसको ग्राम में बदल लो, तो इनटू 1 kg लिबरेटेड 1 kg। अच्छा 1 kg में ही चाहिए, तो ये 1 kg का है, ऐसा 1 kg का, तो ये हो जाएगा 3 divided by 1000 हो गया इसका जी के लिए। व्हाट अमाउंट ऑफ 1 kg का पूछा भी जा रहा है, तो इंटू 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/1000 × 9×10⁻¹⁶। हाँ आंसर जूल में, कुछ बोले नहीं और केजी केजी की बात कर रहे थे तो हम इसे जूल में दे देते हैं, अगर आंसर एमईवी में होगा तो बदल लिया जाएगा। यहां से कितना आएगा, ये 27 × और नीचे 10⁻³ है, हाँ 27 × 10⁻³ जूल, या लिखने की जो परंपरा है पॉइंट के बाद एक डिजिट 14 जूल, इतना जूल है। एमईवी में ही बदल सकते हैं क्योंकि मास केजी में था, इसलिए हम लोग 3 × 10⁸ से गुणा की। अब एमईवी आंसर जरा देखना किसमें दिया है, केजी में दिया है, किसमें दिया है, अरे जूल में ही दिया है, तब क्या दिक्कत है भाई, जूल में ही है तो टेंशन छोड़ो, यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया, सही है। चलिए जिसे नोट करना था वो नोट कर ले भाई। अभी हम लोग एक्सरसाइज 2 भी देखा जाएगा, फिर रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे। क्या गौरी, क्या डाउट है बेटा इसमें, गौरी डाउट बोल तो। सर वो 10⁸ वाला नहीं आया। कौन सा 10⁸? सर 3 × 10⁸। तो इसमें मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर 9 और 10⁸ का स्क्वायर 16। अब उसमें मैंने क्या बदला सर, तो आपने क्यों किया। अरे भैया इसमें एक्चुअली 1 kg में दिया हुआ था, ये केजी का था, एएमयू में मास अवेलेबल नहीं थे क्योंकि वो 931 कब करते हो, 931 जब एमईवी में करना होता और वो होता एएमयू में। हाँ तो ये एमईवी में आने के लिए 931 वाला, अब इसमें केजी में दिया हुआ है तो अब हम लोगों को केजी में दिया है तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट ये रखे हैं सी। सर ये नॉर्मल से किया है, ठीक है सर। हाँ नॉर्मल इसलिए किया क्योंकि सब केजी में था यार, क्या करता मैं। अब या तो एएमयू में बदलते फिर,
कौन इतना झंझट ले, अरे एएमयू में इस, ये नहीं आंसर आने के बाद एएमयू में बदल लेंगे, समझ में आया, अगर पूछ ले तो। यस सर, थैंक यू सर। चलिए स्निग्धा, स्निग्धा क्वेश्चन नंबर 5, एक बचा हुआ है, इसको भी पढ़ के ही चलते हैं। चलिए स्निग्धा, स्निग्धा का भी माइक खराब है। हाँ तो पढ़, पढ़ना है, तेरा माइक खराब है। अच्छा यस सर, वो माइक गड़बड़ है। ये लोग कह रहे हैं ऑफलाइन वालों को दोषी दे रहे हैं, ऑफलाइन वाले आज भी ऑफलाइन आए हैं, पता है ऑफलाइन वाले आज भी ऑफलाइन आए हैं, वो सेंटर पे ही हैं, तुम लोग पता है कि नहीं, वो लोग सेंटर पे ही बैठ के क्लास कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो तो सेंटर पे बैठ के वो क्लास कर रहे हैं। बड़ा कष्ट है, कष्ट नहीं सब आनंद भी यहां करते हैं ब्रेक में। अब एक्चुअली ये हुआ कि अब पूछ रहे लोग कि क्यों सर ऐसा कैसे, नहीं नहीं नीचे नहीं आना है, पार्थ कह रहे नीचे आ जाऊं क्या, इन लोगों को एक रूम में बैठा करके वहीं पर ये अपनी मोबाइल से क्लास कर रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस समय सिर्फ एमपी बोर्ड के बच्चे हैं, एमपी बोर्ड के बच्चों का एक साथ सिलेबस खत्म हो जाए तो 17-18 तक, मतलब जब तक सीबीएसई वाले आए हम लोग अपना मतलब घर पे पार्टी कर लें, तो ऑनलाइन वाले घर पे पार्टी करेंगे, जितने लोग ऑफलाइन वाले हैं उनको मैं पार्टी दूंगा यहाँ सेंटर पे, तो सब खुश हो जाएंगे ऑफलाइन वाले। अरे सर सही बात है, हाँ मैं पैसे खर्च करूंगा, हाँ अभी देखो कितने खुश हो गए। और बाकी तुम लोग अपना एक एक रुपए का, अब इस समय स्नेहा बहुत खुश होगी, सर आप तो घर, मैं तो आ नहीं सकती, पैसे भेज दो आप, देखो अकाउंट नंबर, डेट और टाइम, जिस दिन लास्ट क्लास अपनी होगी उस दिन, उसके बाद 11th शुरू किया जाएगा। हाँ यूपीआई आईडी दूं सर, देखो सर यूपीआई आईडी, नहीं नहीं ये जो यहाँ रहेगा वो पार्टी करेगा सिलेबस फिनिश होने के बाद, समझ में, सेमी कंडक्टर, और हम लोग 17 तक खत्म कर लेंगे। ठीक है आ जाओ स्नेहा करी, मैं आ रही हूँ आ जाओ। चलिए तो अच्छा ऑफलाइन में भी ऐसा नहीं, जैसे अभी आज बोला जाता है ना नाम, तुम लोगों के एक्सपीरियंस रहा है कि जब यहां से नाम बोला गया तो अचानक हम थोड़ा स्क्रीन देखते देखते थोड़ा आइडल हो जाते हैं, आलसी टाइप के देख रहे, अचानक नाम आया स्निग्ध, पिन में ऐसे फेंक दिया जाता है, ऐसी घटना ऑफलाइन में भी होती है यहाँ पे। अब ये क्या है, जो जहां बैच बड़े हैं, जहां बैच बड़े हैं, अभी यहाँ बैच चल रहा है, मतलब 110 120 ऐसे बच्चों का बैच चल रहा है, उसमें कभी मैं नाम ले लेता हूँ, हाँ बेटा जरा तू बताना, तो हाँ सर मैं, हाँ डर जाते हैं उसमें भी, और सर गजब ही पढ़ते हैं, मतलब वो अलग लेवल की पढ़ाई, मतलब रीडिंग ही अलग कर रहे हैं, तुम लोग को तो सिखा डाला है ना मैंने कि हाँ बेटा ऐसे पढ़ते हैं, थोड़ा मन लगा के क्वेश्चन पे अटैकिंग मोड में, क्वेश्चन आए ना तो यू शुड अटैक देम। इसमें कहानी है, कल सुनाओ स्टोरी, सब पेन वेन रख के, हाँ सर चलो स्टोरी सुनते हैं। जैसे मतलब क्वेश्चन जब आता है ना तो जैसे तुम लोग क्वेश्चन पढ़, जैसे आएगा बेटा क्वेश्चन पढ़ो, हाँ ऐसे डर गए थोड़ा पीछे हट जाते हैं, हाँ क्वेश्चन पढ़ना है, ऐसे नहीं अटैक मोड में, अटैक मोड में करोगे डर जाएगा, और डर जाएगा तो भाई डर के आगे जीत है। तो मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, जब मैं क्लास 10th में था तो एक ट्यूशन पढ़ने जाता था साइकिल से, इंग्लिश का ट्यूशन था, इंग्लिश का ट्यूशन था, उसको पढ़ने जाता था, गली में एक कुत्ता था, वो रोज भौंकता था और दौड़ा भी लेता था, हम लोग भागते थे, कई बार साइकिल छोड़ के भागना पड़ता था, है ना, और उसके बाद वो कभी पैंट पकड़ के खींच ले, कई बार उस चक्कर में मेरी कॉपी, मतलब कॉपी गिर जाती थी। एक दिन हुआ क्या, मेरे मेरी है ये लाइव मेरा मेरी है, तो एक बार क्या हुआ मेरी कॉपी गिरी, और कॉपी गलती से गिर गई, थोड़ी रोड पे गीली जगह थी, वहां नहीं नाली में नहीं गिरी, गीली जगह में गिर गई, नाली नहीं था वो, रोड खराब था, थोड़ा सा बारिश हुआ था। अब उस दिन मुझे आ गया गुस्सा, और मैं और मेरा दोस्त सानू ने प्लानिंग की, मैंने मतलब प्लानिंग हम लोगों ने की कि इस कुत्ते को अब या तो ये कुत्ता रहेगा या हम लोग, और रास्ता भी ऐसा नहीं था यार कि दूसरे रास्ते हम जा सकें,
वो यूनिक रास्ता, मतलब एक ही रास्ता था, उसी से जाना पड़ता था। तो हम लोगों ने प्लानिंग की कि आज इसको मारेंगे हम लोग। तो इसे हुआ कि साइकिल चलाते चलाते जैसे वो आया, दौड़ते दौड़ते आया, और जैसे ही वो करने लगा मैंने साइकिल छोड़ दी। अब देखो, जब आप किसी चीज को प्लानिंग के साथ करते हो ना, और एक अच्छी भावना के साथ, वो अलग बात है करने हिंसा जा रहा था मैं, लेकिन भावना मेरी अच्छी थी कि अपने डर को खत्म करने जा रहा, तो भगवान मदद किया। वो जो साइकिल का ट्रायंगल होता है ना, इसे ट्रायंगल, कुत्ते का पेट उसके बीच में आ गया, और साइकिल के पहले पहिए के पीछे उसका मुंह। उसके बाद मेरा दोस्त जो था सानू, उसने उस पे पैर रख दिया, एक पहिए पे, पिछले वाले पहिए पे मैंने पैर, और जो ट्रायंगल वाले बीच में उसका पेट आया था, मतलब उसका स्टमक, दे मुक्के। उसके बाद उसी में वो चिल्ला रहा पी पी पी, और उसके बाद दे मुक्के, वो खूब कूटा मैं हम लोगों ने। उसके बाद कई कुत्ते ये देख भी रहे थे, बहुत सारे हैं। देखो सर, कह रहे सर एनिमल वायलेंस, अबे अपना डर खत्म कर रहा था मैं, और ये आत्मरक्षा में आता है। अगर अपनी रक्षा के लिए आप किसी को मारो तो वो बुरा नहीं है। मैं कहा, मतलब पूरे 6 महीने परेशान किया था, कभी पैंट फाड़ देता था, पीटा हमले ने, सेल्फ डिफेंस था ये। उसके बाद हम लोग ने जब कूटा उसको, तो फिर वो कुत्ते को, अब ये हुआ था, हम लोग ये भी पता था कि अगर छोड़ेंगे तो वो काटेगा, तो हम लोगों को साइकिल छोड़ के भागनी थी। हम दोनों ने साइकिल छोड़ी और भागे दूर ताकि वो दौड़े। लेकिन हुआ क्या कि हम लोग गए प्लस एक्सिस पे, कुत्ता भागा माइनस एक्स एक्सिस पे, और जो कुत्ते और देख रहे थे वो भी उसके साथ भागे। और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बाद, करीब 15-20 मिनट बाद आए, वहां कोई कुत्ते नहीं थे, कोई नहीं, पूरे कॉलोनी कुत्ते गायब थे उस, और साइकिल उठाए। फिर हम लोग उस दिन पढ़ने नहीं गए, उसके बाद हम लोग गए घर। लेकिन अगले दिन हम लोग उसी रास्ते आए, तो जब भी उस एरिया के कुत्ते हम लोग को देखते थे, तो जैसे कोई एक कुत्ता देखा तो सिग्नल करता था, ऊ करके सिग्नल, तो सारे कुत्ते भाग जाते थे, पूंछ दबा के हम लोग देख के, हमें या दोनों को देखते थे और सब भाग जाते, कोई सामने नहीं आता। उस दिन डर हो गया खत्म। तो मैं तो ऐसे भी जानवर कह लो, मोहब्बत की बात नहीं है कि एनिमल लवर हूं मैं ना, और एनिमल से मुझे कोई हेट भी नहीं है, लेकिन मुझे जो हानि पहुंचाने की कोशिश भी करता है, उस कोशिश को मैं खत्म करना चाहता हूं। हैं? हाँ, उस समय तो वो अब डरने लगे, तो भाई मैं उनको कोई पहुंचाने थोड़ी ना जाता था। हाँ, मैं कभी किसी कुत्ते को दौड़ा के नहीं कि कुत्ता जा रहा है मैं लगूं दौड़ाने और उसका पैर पकड़ के खींचने लगूं, कभी ऐसा नहीं किया मैंने, तो वो कैसे कर सकता है भाई है? तो ऐसा किया था अपन ने। तो इसी तरह जब क्वेश्चन मिले आप लोगों को, तो थोड़ा सा प्रोएक्टिवली आप उस पर दबाव बनाया करो, है ना, नहीं कि डर के पीछे हो जाए, थोड़ा उस पर दबाव बनाओ तो क्वेश्चन डर जाएगा। करके देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 1-4 ही बचा हुआ है, 4 की 5, कौन सा 4 या 5, 5, अच्छा ये वाला तो हो ही गया था, 5 नंबर। चलिए स्नेहा आप पढ़िए। स्नेहा अभी कह रही थी सर मैं पढ़ूं, अब पढ़ी नहीं रही। हाँ सर मैं पढ़ती हूँ। हाँ, फाइंड आउट द मास ऑफ यूरेनियम रिक्वायर्ड पर डे टू जनरेट 10 मिलीवॉट पावर फ्रॉम द फिजन ऑफ यूरेनियम। जरा देखो इसी का उल्टा है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 में मास दिया था और एनर्जी रिलीज पूछा था। इन्होंने भाई अगर हमें पावर भी दे दिए, मतलब एनर्जी पर सेकेंड दे दिया इन्होंने, एनर्जी पर सेकेंड, इसी का तो उल्टा प्रोसेस है, यानी इसमें भी एन ए वैन ए आएगा। समझ में आया सर? पर डे का पूछ लिया इसमें। हाँ तो भाई पर सेकेंड है, तो एक सेकेंड में अगर निकाल लेते हो कि एक सेकेंड में मुझे 2 न्यूक्लियस चाहिए, तो भाई पूरे दिन में कितने सेकेंड होते हैं? शायद 86,400, 86400। क्यों? यस सर, अभी कैलकुलेट किया था मैंने। हाँ तो भाई उसको आप निपटा सकते हो, ये सेम वैसा ही है। जरा देखा जाए कि इसके, तो ये क्वेश्चन भाई उल्टा है, मैं अब दोबारा कैलकुलेशन नहीं करेंगे।
जरा देखा जाए क्वेश्चन इसके नीट में कैसे आए हैं। 86400 मैंने भी यही बोला था। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन है, जवाब दे लेंगे क्या हैं? थोड़ा टफ था तो इसको निपटा दिया हम लोगों ने, खत्म हो गया ये। और ये तो केमिस्ट्री टाइप का क्वेश्चन नहीं लग रहा है, 41 वाला हैं? अक्षत ठाकुर देख कैसा है ये। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स में क्या बराबर होते? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देख लो ये किसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर है, कर लिया जाएगा ये भी इस तरह का। ये सब एक्सरसाइज वन में प्रैक्टिस करा रहे हैं ये। क्वेश्चन नंबर वन इस पर है, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, अरे ये एक्चुअली कब किया मैंने पैकेज, वो लीडर वालों को ऑलरेडी पढ़ाया है ना ये वाला पैकेज, अभी लीडर वालों को पढ़ाया इसलिए ये किया हुआ था। मैंने तो सब कर ही डाला है, कब किया नहीं, मैंने हर क्वेश्चन लगभग लगभग 100 बार तो किया ही होगा, लेकिन हर बार करता हूं फ्रेश, कैसा फ्रेश टाइप में, कह रही ये तो पहली बार। 100 में मिनिमम बता रहा हूं स्नेहा दी। हाँ लीडर की भी ऑनलाइन लग रही थी, उसमें भी ऑनलाइन है। चलिए वन नंबर कौन पढ़ेगा? नहीं फिर भी मैं आंसर नहीं रखता। चलिए क्वेश्चन नंबर वन कौन पढ़ेगा भाई? ये यशराज, चलिए यशराज पढ़िए। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज 2.2 MeV एंड दैट ऑफ हीलियम इज 28 MeV। इफ टू न्यूट्रॉन्स आर फ्यूज्ड टू फॉर्म वन हीलियम देन द एनर्जी रिलीज्ड इज, यानी वो कह रहे कि भैया न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मतलब सिंबल कौन सा? सिंबल 1H2। ये कह रहे हैं कि 1H2 प्लस 1H2 ये मिलकर के हीलियम बनाता है 2He4, तो भैया साथ में एनर्जी भी निकलेगी। तो एनर्जी कैसे निकालें? Q वैल्यू, तो हम लोग सबसे पहले डेल्टा M निकालेंगे, डेल्टा M इंटू 931, तो डेल्टा M निकालो जरा। डेल्टा M, वैसे डेल्टा M निकालने की जरूरत ही नहीं है भैया, बाइंडिंग एनर्जी इसकी ये है 2.2 MeV, तो हम लोग 2.2 और 2.2 दो बार, तो कितना होगा ये 2.2 और 2.2 कितना होगा 4.4, और हीलियम बनाया है और हीलियम की 28 MeV है, तो 28 माइनस 4.4 ये हो गई एनर्जी दे रहा है भाई, 28 माइनस 4.4 ये आ रहा है, तो हमें एमईवी वगैरह गुणा ही नहीं करना, यानी कितना आएगा ये 23.6 एमईवी एनर्जी रिलीज होगी। अच्छा इसी में जरा देख, एक बार ये क्वेश्चन शायद और आया है, 10 नंबर क्वेश्चन भी पढ़िए। The binding energy per nucleon in deuterium. तो ड्यूट्रियम में, ड्यूट्रियम में कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं? दो। कितने होते हैं? दो। तो दो होंगे तो यानी इसकी एन वैल्यू कितनी हो गई बेटा? एक की 2.2। हाँ 2.2 और इसकी है 7 है पर न्यूक्लियॉन। हीलियम में कितने न्यूक्लियॉन है? हीलियम में कितने न्यूक्लियॉन है स्निग्धा, चैट में बताओ? 4।
और एक की है 7, तो टोटल। तो देखो उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के नहीं पूछ लिया गया। अब भैया 28 - 4.4 आंसर है कि नहीं, आंसर भी सेम, थोड़ा बस क्वेश्चन घुमा लिया है और क्या, थोड़ा सा आंसर घुमा पूछा गया है। देखिए सेम तो 2006 में भी आया था, 2010 में भी आया था, थोड़ा सा परिवर्तन के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 कौन पढ़ेगा भाई ये? चलो यश, यशवा आप पढ़ो बेटा। यस सर। पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्या है? द रेडियस ऑफ जर्मेनियम न्यूक्लाइड इज मेजर्ड टू बी ट्वाइस द रेडियस ऑफ बेरियम, द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन जर्मेनियम आर। अच्छा, क्या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से कोई रेडियस का रिलेशन होता है? यश, सेम यश, कोई होता है बेटा? यश वाह, तुम्ही से पोषण है। हाँ, क्या होता है रिलेशन? माइक ऑन करके बताओ क्या होता है रिलेशन रेडियस का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, मास नंबर से क्या है? R is proportional to a raised to the power 1/3 होता है क्या? हम लोग यहीं से निकाल सकते हैं। तो भाई इसमें अगर हम फॉर्मूला ले लें, R 1/R2 इक्वल टू a1/a2 पे पावर 1/3। अब आपका दिया हुआ रेडियस ऑफ जर्मेनियम इज मेजर्ड विद ट्वाइस रेडियस ऑफ बेरियम, रख लो और आंसर बता दो कितना आएगा। रख लीजिए और आंसर बताइए कितना आ रहा है। आंसर बताओ भाई। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2/2 इक्वल टू, रेडियस डबल है, a1 एक का कितना है, a1 एक का कितना है वही नहीं पता ना, अपॉन दूसरे का तो हमें 9 पता है, पावर 1/3, तो इधर क्यूब कर देते हैं तो a इक्वल टू हो जाएगा 9 × 8 = 72। थोड़ा टफ प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मेघा प्रजापति माइक ऑन करेगे बेटा कि माइक की फैसिलिटी नहीं है तेरे वाले में? है सर। तो पढ़ ना, मैं तो पहले भी तुझे ऑप्शन दिया था पढ़ने का, जब नेट थोड़ा नेट का इशू था। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना बेटा। इफ द न्यूक्लियस aluminium has a nuclear radius of about 3.6 Fermi, the TE कौन सा element होता है? कोई भी ऐसे ही, अपन को कौन chemistry पढ़ना है, एक कोई XY मान ले। हाँ, would have its radius approximately as। अच्छा, किसी बच्चे को अगर बेटा TE का पता हो तो जरा pronunciate कर दे तो माइक ऑन करके। हाँ, tellurium। tellurium होता है, tellurium। तो अपन तो इससे कोई, हम लोग को तो ये ए एक्स और वो दिखाई देगा। अच्छा, हमें पता है कि भाई अगर अपन देखें तो फॉर्मूला तो यही है, R2/R1 ऐसे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा a2/a1 पे पावर 1/3। अब R2 नहीं पता, R1 पता है, 3.6 है, एल्यूमिनियम का पता है, इसका निकालना है तो इसी को तो हम ऊपर रख रहे हैं, यानी ये हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाई a1 कितना है 27 पावर 1/3। तो ये कितना आएगा 125, दिस कितना आएगा
सॉल्व करो, ऐसा नहीं छह फर्मी मेरा देख के तुम लोग बोल रहे हो हैं? मैंने लिख दिया था सिक्स फर्मी तो सिक्स फर्मी बोल दे रहे हैं, नहीं करा सॉल्व। अच्छा चलो, चलिए नैना क्वेश्चन नंबर एट। नैना क्वेश्चन नंबर एट, मास ऑफ लिथियम सेवन न्यूक्लियस इज 0.042 यू लेस देन यू, मतलब वो एएमयू। एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये जो यू होता है ना वो एएमयू को ही यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? लेस देन द सम ऑफ द मासेस ऑल इट्स न्यूक्लियॉन्स द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ लिथियम सेवन न्यूक्लियस इज नियरली, हाँ कितना होगा, कितना होगा यही बताना है यहाँ पे, इनको एनर्जी कितनी होगी। तीनों ने तो मास दिया है तो हम लोग ये कर ले भाई 0.042 भैया, ये एएमयू में दिया है, इससे एनर्जी निकालनी है, क्या कर लें कि सीधा एमईवी में आंसर आए, तो इसको 931 ये टोटल एनर्जी होगी, और पर न्यूक्लियॉन निकालना है तो न्यूक्लियस कितना है, लिथियम में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, सेवन, करके देखो कितना आ रहा है, करके बताइए कितना आंसर आ रहा है, फाइव पॉइंट फाइव, मतलब 5.6 के पास। हाँ ठीक है, 5.4 5.5 यानी उसके पास आ रहा है। अगला वाला पढ़ो जरा। यस जैन, द पावर ऑब्टेन्ड इन अ रिएक्टर यूजिंग यूरेनियम 235 डिसइंटीग्रेशन इज 1000 किलोवाट, द मास ऑफ यूरेनियम 235 पर आर। तो भाई हमें मास डीके मतलब डेल्टा एम चाहिए, तो डेल्टा एम इक्वल टू होता है ई बाई सी स्क्वायर, और ई को हम लिख सकते हैं पावर इनटू टाइम अपॉन सी स्क्वायर, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। हाँ स्नेहा कुछ कहना चाहती है, स्नेहा बोलो बेटा। वो 3 × 10⁸ स्क्वायर होगा ना? हाँ तो एक्चुअली मैं अभी इरेज कर रहा था तो इरेज हो गया होगा, वो स्क्वायर ही है। अरे वो कई बार वैसे टैप हो जाता है ना, टैप टैप होने के चक्कर में वो डिलीट हो गया होगा। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आ रहा है, मतलब ये भी आसान गरीब टाइप। यस सर, कैलकुलेशन इजी था कि वो 9 हो जाएगा तो ऑब्वियस। हाँ तो हाँ 40 के तो आ ही रहा है, 4-4 तो आ ही रहा है यहाँ पे। तो आप देख रहे हो कोई भी क्वेश्चन ऐसा भारी भरकम नहीं है जो हम ना कर पाए हैं। अब देखो ये क्वेश्चन, मतलब अब एग्जाम के क्वेश्चन देखने के बाद हमें ये देखना है कि क्या कहीं कैलकुलेशन की प्रैक्टिस तो नहीं करनी है। ये जैसे देखो 19 नंबर, ऐसे ही पढ़ के देखो हो जाएगा कि नहीं। ये कौन पढ़ने वाला है, जिन बच्चे रेगुलर पढ़ चुके उनके अलावा? चेताली नहीं, पार्थ तुम पढ़ चुके हो। कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा, पता नहीं क्यों। यही लोग रेगुलर यही बच्चे पढ़ते हैं। अक्षत सिंह ठाकुर तुम पढ़ो भाई। अच्छा शरद क्लास में है क्या? शरद क्लास में है? है सर, क्लास में।
यस सर. हाँ शरत तू पढ़ तो बेटा. A certain mass of hydrogen is changed to helium by the process of fusion. The mass defect in fusion reaction is 0.02866 amu. हाँ. The energy liberated per amu is per a per u दिया ठीक है. ये खाली गुणा तो करना है. देखो ना भाई amu में मास डेल्टा m दे दिया और सीधा 931 से गुणा करके आंसर लिखेंगे. हाँ सीधा जरा गुणा करके बताओ तो इसमें ये भाई ये दिया है 0.202866 ये डेल्टा एम की वैल्यू है. सीधा 931 करो कौन सा आंसर आ रहा है 26.6 आंसर बड़ा करीब करीब है यार. नहीं नहीं दूर दूर है करीब करीब का. ये वाला तो बहुत कम मुझे वो 26 दिखाई दिया. बताओ ये एग्जाम में आ रहा है तो कोई कैलकुलेटर की तो आवश्यकता नहीं लग रही स्नेहा क्यों. अच्छा डिवाइडेड बाय 4 भी करेंगे. हाँ अब देखेंगे एनर्जी लिबरेटेड पर यू तो भाई जितना है तो इसमें देख लो हीलियम में द एनर्जी लिबरेटेड डिवाइडेड बाय 4. अरे पर न्यूक्लियन भी तो निकालना है ना समझ में आई बात भाई. इसमें डिवाइडेड बाई 4 भी कर लो क्योंकि पर अब कौन सा आ रहा आंसर तो 26.6 वाला ये वाला आंसर आए. ये टोटल का आंसर है. ये टोटल है उन्होंने पूछा है पर यू बताओ भाई पर एमयू यानी पर न्यूक्लियन बताना है तो 4 से डिवाइड कर दो आंसर 4 आ रहा होगा. कोई तब भी क्या कैलकुलेशन टफ हो गया स्नेहा कैलकुलेटर की जरूरत लगेगी एग्जाम में. अभी तक तो नहीं मतलब एक भी क्वेश्चन अभी तक बस इसी को देखने के लिए हम लोगों ने ये क्वेश्चन तो इसके बहुत आसान आते हैं है? चलो एक ये भी हो जाए गरीब टाइप ये भी निपटाओ. देखते हैं बस कैलकुलेशन देखना है कि क्या हम बिना कैलकुलेटर के कर सकते हैं क्या एग्जाम में है? ऋषि तुम्हारा आवाज आ सकती है सुन सकते हो आवाज तेरी तो क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ के सुना देता. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लिथियम एंड हीलियम न्यूक्लियाई आर 5.60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये ध्यान देना इन्होंने पर न्यूक्लियन दिया है तो जो लिथियम वाला है उसमें गुणा करेंगे हम लोग पर न्यूक्लियन है तो 7 का और इसमें गुणा करेंगे 4 का तब हम लोगों को टोटल मिलना है कि नहीं. यस सर तब मिलेगा टोटल. हाँ आगे हम In the nuclear reaction, lithium plus hydrogen gives helium plus energy. The value of energy Q releases. तो भाई हम लोग एक ऐसे कर लेते हैं डेल्टा एम निकालते हैं सबसे पहले तो ये हो जाएगा इसका गुणा करें कितना आएगा 5.6 × 7 किया जाए तो कितना आ रहा है 39.2 अब प्लस बेटा ये 4 से गुणा करके बताना 7.06 का 28.24 माइनस हीलियम दो हीलियम का 2 हीलियम तो हीलियम का कितना होगा रेस्पेक्टिवली द वैल्यू ऑफ क्यू रिलीज्ड. अच्छा हीलियम का तो दिया ही है. अरे हीलियम का तो दिया ये नहीं करना था द बाइंडिंग एनर्जी दिस और एक ये है 1H1 है 1H1 की कितनी एनर्जी होगी 1H1 की कितनी एनर्जी हाइड्रोजन का नहीं दिया है ना तो क्या किया जाए हमें ये प्लस नहीं करना था. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिथियम का दिया और इसका हाइड्रोजन वाले का नहीं दिया यार क्या करें कि हाइड्रोजन का भी मिल जाए. हाइड्रोजन छोड़ दें गरीब है सर विवेक कह रहे गरीब है सर छोड़ दो है? नहीं उसको जोड़ना तो था अब दिया नहीं है यार सर दिया, हीलियम, हाँ. जो हीलियम है उसका हमने फाइंड किया था वो 28.24 था और उसमें 2 साथ में दिया हुआ है तो उसको मल्टीप्लाई करके एंड माइनस कर देंगे. दीदी हम लोग तो वो कर ही रहे आंसर नहीं लाना है
अपन को तो भाई डेल्टा एम निकालने के लिए 1H1 का भी तो चाहिए था ना एनर्जी, नहीं समझी भाई? एनर्जी नियमता उसकी चाहिए थी ना, वो तो अलग बात है, इग्नोर कर देंगे आंसर आ जाएगा, वो अलग चीज है, लेकिन नियम के अनुसार तो भाई इसकी टोटल एनर्जी माइनस दिस एनर्जी इज क्यू वैल्यू, समझ रहे हैं? तो अब ये कहा जा रहा है छोड़ दो इसको, तो इसका जो किए थे तो कितना आया था, इसका तुम लोगों ने टोटल किया था कितना आया था, 39 point something कुछ, 39.2 और इसके एक का 28.24, तो रुक जा भाई, 28.24 into 2 करेंगे तो ये माइनस 39 point कितना था, 2, तो ये कितना आ रहा है जरा ये बताओ, कितनी एनर्जी आई है, 17.28, तो 17.28 यानी लगभग में ये आंसर, यही आंसर दिया है क्या, जरा चेक करना, यही दिया है ना, तो जानते हो एक लाइन लिखना भूल गए उसमें, इग्नोर दी एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, समझ में आया, इग्नोर दी एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लिखना भूल गए, मतलब ये हो सकता है नीट के एग्जाम में होगा, जरा एक बार ओरिजिनल पेपर देख लीजिएगा अगर किसी को मिल जाए, नहीं नहीं ऐसा क्यों, आंसर आ रहा है ना, वो 1H1 की एनर्जी नहीं दी है तो उनको इग्नोर करना, इग्नोर दैट, एक बार ओरिजिनल करेंगे। हाँ पार्थ बोलो क्या तुम पूछ रहे हो, माइक ऑन करके भी बोल लो। सर यहाँ पर हाइड्रोजन का इग्नोर किया इसलिए अपन ने 28.24 को इनटू 2 कर दिया ना, नहीं नहीं 28 ये 2 हीलियम था, 1 हीलियम का इतना है, 1 हीलियम का, 1 हीलियम का 28.24 है, कितने हीलियम बने हैं, 2 हीलियम, तो मैंने ये 1H1 का कुछ लिया नहीं जबकि लेना था यहाँ पे प्लस समथिंग, मतलब इसका एक्चुअल रिएक्शन देखता तो ऐसा आता, हीलियम का हो गया 28.24 इंटू 2 माइनस एक लिथियम का 39.2 प्लस ये हाइड्रोजन का यहां चाहिए था अपन को, यस सर, अब वो दिया नहीं है तो इसको एक बार ओरिजिनल वाले में देखना, या तो इग्नोर करने को बोला होगा और या कुछ दिया होगा या क्या होगा, बहुत निग्लेक्ट है, छोड़ दिया होगा, तो देखो अभी भी यहां पे भी कोई कैलकुलेशन बहुत नहीं आ रहा है। एक ये देख लीजिए 23 गरीब है, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू ए पे पावर 1/3, ये सब रेडियो एक्टिविटी, बाकी रेडियो एक्टिविटी के हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चन थे वो आप देख रहे हो कोई बहुत कैलकुलेशन वाले नहीं है, यानी कैलकुलेशन के लिए बहुत वरीड नहीं होना है। अब ये नहीं पूछोगे ये फोन नंबर किसका है अच्छा बता दूं, अबे मेरा ही फोन नंबर है ये, एक्चुअली जिस दिन अपन की क्लास लीडर में हुई थी ना वो पहली क्लास थी ये, तो वो सब बच्चे बोल रहे थे सर अपना नंबर दे दीजिए डाउट के लिए, ले लो भाई डाउट। तो अब अगली क्लास, कल वाली क्लास में बेटा हम लोग रेडियो एक्टिविटी करते हैं और रेडियो एक्टिविटी की प्रॉब्लम भी साथ में निपटा देंगे, ठीक है? कल रेडियो एक्टिविटी प्रॉब्लम की जाएगी, कल उसे निपटाया जाएगा। चलिए तो बाय बाय, मिलते हैं एक बार, आप लोग रेडियो एक्टिविटी सभी लोग प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि कल ठीक रहे। चलिए ओके बाय बेटा।